आईपीएल के सट्टेबाजी के रुपए के लेन देन में हुए विवाद में युवक की मौत के मुख्य आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से कत्ल में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद की है। गौरतलब है कि 28 मई को कैंट थाना क्षेत्र के गोपलापुर में आईपीएल के सट्टेबाजी में विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक को चाकू लग गई थी, जिसमें इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी अमन पुत्र अजय उर्फ जय पासवान को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए यशस्वी शलभ माथुर ने बताया। कैंट के अंतर्गत 28 मई को गोपालपुर मोहल्ला पड़ता है, यहाँ पर एक व्यक्ति की पैसे के लेन देन के विवाद में चाकू मारकर हत्या की गई, जिसमें 3 लोग और घायल हुए। टोटल घटना के अंदर 6 लोग को नामजद किया गया था, कुछ लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी हुई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था। इसका नाम अमन और अजय है और इसको आज पकड़ा गया है और इनकी बरामदगी के ऊपर जो आला कतल है उसको बरामद किया गया है। निशानदेही पे इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है और बाकी जो शेष लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करके शीघ्र विधिक कार्रवाई की गई। प्रकाश में आई पैसे के लेन देन का विवाद, अभी और गहनता की पूछताछ निकलने के बाद इसके ऊपर और पुष्टि हम लोग।